कैसे नैरेटिव समाज की सोच पर असर डालते हैं, एक देश और समाज में परिवर्तन के लिए विचारों का क्या योगदान होता है, ये सब कुछ एक किताब के जरिए बताया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज की किताब नैरेटिव का मायाजाल का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। इसमें कोई चीज तो है कि दुनिया में दूसरी पुरानी संस्कृतियों का आज उन देशों से कोई संबंध नहीं है। हमारी सिर्फ प्राचीन संस्कृति नहीं है बल्कि मृत्युंजय संस्कृति है, मतलब जो जिसमें कंटिन्यूटी है। उधर अपने संबोधन में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन मानसिकता से आजाद होना अभी बाकी। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए, लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है, संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे, संस्कृत तो मृत भाषा है, तो इसलिए संस्कृत कहना है तो वो तो ब्राह्मणों की भाषा है, संस्कृत तो शोषण किए करने वाली भाषा है। यानी कितने प्रकार के चीजें पिछले 100-150 साल से, खास करके पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्रता के बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया, इसलिए संस्कृत को हटाओ। इसलिए संस्कृत का हटाया तो विचार भी हट गया। वहीं किताब के लेखक बलबीर पुंज ने कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ नैरेटिव के दूषित होने में छिपी है। तो अगर इस देश को आगे जाना है, विकसित होना है, अगर इस देश को बने रहना है, तो बहुत आवश्यक है कि जो अंग्रेजों ने झूठ और अर्ध सत्य पर आधारित नैरेटिव बनाए थे उनको ध्वस्त किया जाए। देश की समस्याओं और आज के दौर में नैरेटिव की भूमिका पर प्रकाश डालती इस किताब में मैं कौन हूँ और भारतीयता की असली पहचान को तलाशने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।